1.3 लगभग बिलियन के इस देश में, इसमें स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, काफी घटनाएं हुए हैं और जो गलत घटनाएं हुए हैं वो हम सब मिलकर के उसको खंडन करना चाहिए। इसमें पार्टीशन का बात नहीं आना चाहिए। कोई गलत अगर इस देश में घटना हुआ है तो देश के लिए ये दुखद बात है, इसके लिए कोई पार्टीबाजी का बात नहीं करना चाहिए। और मैडम, इसमें किसी भी राज्य में कोई भी घटना होता है, कोई भी वायलेंस होता है, आप बताइए, आज हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं कोई घटना हुआ है, हमने सहायता देने से अगर मना किया है, भेदभाव किया है, तो आप बताइए। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे। लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, उसको हर राज्य सरकार उसको बनाए रखे, हम लोग भी ये चाहते हैं। और उसके लिए जो भी मदद सहायता केंद्र सरकार से चाहिए, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन आप बार बार हमको आरोप लगाते हैं कि हमने इस देश का माहौल को खराब किया है। अध्यक्ष महोदय, देश का माहौल कैसे खराब होता है? देश का माहौल क्या भारत माता की जय लगाने से खराब होता है या भारत को टुकड़ा करो बोलने से खराब होता है, बताइए। देश का छवि या देश माहौल कब खराब होता है, आप बताइए। जब अफजल गुरु को फांसी देने के लिए समर्थन लोग जब करते हैं तब माहौल का खराब होता है, या अफजल गुरु के समर्थन करने वाला लोग की वजह से देश में माहौल खराब होता है, आप ये बताइए। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आर्मी को सैल्यूट करने से देश का छवि खराब होता है, या आर्मी से सबूत मांगने वाला जो करते हैं तब हमारा देश का छवि खराब होता है? हम जब आर्मी को इज्जत देते हैं तब छवि खराब होता है, या आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने से देश का छवि खराब होता है? देश का छवि खराब करने का काम कौन कर रहे हैं? हमारा एक करतूत बताइए जिससे हमारा देश को शर्मिंदा का हमको ये बोझ उठाना पड़ रहा है, आप ऐसे कदम कोई एक तो बताइए।